हेलो फ्रेंड, दिस इज़ योर फ्रेंड राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रोमन रेंस के चैंपियनशिप हारने को लेकर के और रसलमेनिया में रोमन रेंस के मैच को लेकर के। तो यार, रेसलिंग न्यूज़ की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो करंट प्लान फॉर द रसलमेनिया मेन इवेंट नाइट फर्स्ट के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेज ड्रू मैकइंटायर या फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच मैच प्लान कर रही है WWE। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मैच WWE चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। मतलब यार, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप रसलमेनिया से पहले हार रहे हैं। एंड नाइट टू की बात करें तो रोमन रेंस वर्सेस टू भी डिक्लेयर्ड फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, यानी कि नाइट टू में रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच अगर होता है तो वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नहीं बल्कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा। अच्छा, किसी तरीके से रोमन रेंस वर्सेस द रॉक नहीं होता है रसलमेनिया 39 में तो द रॉक का जो स्पॉट है उसको फिल करेंगे कोडी रोड्स। बाकी यार, रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप कब और कहाँ हारते हैं ये देखने वाली बात होगी। एक और चीज जो मुझे अच्छी लग रही है वो ये है कि सेथ रॉलिंस हमें WWE चैंपियनशिप पिक्चर में नजर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज। तो बस यार, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। WWE के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।